तो यहाँ पर मैंने सौंफ का पानी गर्म करके, रात में सौंफ भिगा ली थी और अभी उसका पानी बॉईल करके लूप वार्म होकर मैं उसको पी लूँगी। यहाँ पर मैंने इंडक्शन में रख दिया है सौंफ का पानी जो मैंने रात में सौंफ भिगा ली थी, तो उसके बाद मैं यहाँ पर पी रही हूँ। जब ठंडा हो जाए, लूप वार्म हो जाए, तब वाटर को पी लो। और यहाँ पे कुकड़ू बैठ के ही हमेशा पानी पीना चाहिए, वरना घुटने हमारे अभी तो नहीं बुढ़ापे में जाकर ख़राब हो जाते हैं और चलने में बहुत दिक्कत रहती है। आज मैं किचन में ही अपना योगा, पढ़ाई, सब चीज़ किचन में ही करूँगी, क्योंकि दोनों कमरे हाउसफुल हैं। एक में परी और खुशी सोई हुई है और दूसरे में उनकी दादी सोई हुई है, तो किचन में ही मैं सारा काम कर रही हूँ सुबह सुबह 5 बजे उठ के। और मैं रनिंग करने आज नहीं गई क्योंकि परी बीच बीच में उठ जाती है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, फिर वो रोती है, तो मैं किचन से तो चली जाती हूँ पर पार्क से नहीं जा पाती इतनी जल्दी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ योगा, वेट लॉस करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है और डेली रूटीन फॉलो करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन दो दिन करने से नहीं होगा, रोज़ करने से होगा। यहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई भी कर ली है, मेरा एग्ज़ाम्स है जिससे मैंने हो सकते हैं। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मैंने ये जो नट्स रहते हैं रोज़ का डेली रूटीन के नट्स खाने हैं, वो तो रहता ही है। यहाँ पे दूध वगैरह बॉईल करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, तो दूध वगैरह मुझे भी बॉईल करना रहता है। आलू मैं यहाँ पे आलू मालने रख दूँगी, क्योंकि ये था कि अब बच्चों को आलू के पराठे बहुत पसंद रहते हैं, तो यहाँ पे मैं आज आलू के पराठे ही बनाने वाली हूँ। और जो भी सुबह का जो छुटमुट काम रहता है वो भी मैं लगे हाथ उसी वक्त कर लेती हूँ, करीब 6 बजे से पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू धो के बॉईल करने रख रही हूँ और दूध के लिए जो डेग है उसको धो देती हूँ, जिससे कि उसमें दूध आराम से बॉईल हो जाए, क्योंकि इंडक्शन की एक ही डेग है, तो उसी को ही मैं धो के रिपीट करूँगी। और आलू को रख दूँगी इंडक्शन में, बाकी चाय वगैरह सब बना लूँगी यहीं पर ही, बर्तन वर्तन सब धो के फिट कर लूँगी। मैं बच्चों को उठने से पहले आधा सारा काम कर लूँगी और यहाँ तक कि मैं नाश्ते की प्रिपरेशन करने के बाद ही नहाऊंगी। और यहाँ पे आ गई मैं पीछे, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, करीब 6 बजे होंगे मैं पीछे आ गई, बहुत सुहाना मौसम हो रहा था, हल्की धूप आ गई थी तो मैं देखने आई थी। पीछे भी मैं योगा कर लेती हूँ बट पीछे ना कभी कभी मच्छर भी रहते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मच्छर ना काटें, इसलिए मैंने किचन में ही योगा कर लिया। और पीछे ना कभी कभी बिल्ली कुत्ते भी घूमते हैं, तो मैं योगा कर रही हूँ, पता लगा मेरे पीछे से झपट के मुझे, तो ऐसे मैं डर जाऊँगी, तो इसीलिए मैंने किचन में योगा किया। और बस पीछे थोड़ा सा मौसम का आनंद लेने आ गई। मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह कितनी अच्छी धूप जो है वो पीछे आई हुई है, मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, 6 बजे की, 6 भी नहीं बजे होंगे और इतनी अच्छी धूप यहाँ पर निकल आई है। तो बहुत अच्छी धूप निकलने के बाद मैंने क्या करा, नाश्ता बनाना शुरू कर लिया। यहाँ पर मैंने नहा लिया है, आपको दिख रहा होगा कि मैंने नहा लिया है। और नहाने के बाद मैं फटाफट आलू के पराठे बनाने आ गई हूँ, क्योंकि बच्चे भी उठ चुके थे, 8 बजने वाले थे, और जब सब उठ जाते हैं तो गर्मा गर्म फिर परोसने भी होते हैं पराठे, तो ठंडे इतने अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो परोसने भी थे। तो फटाफट मैंने यहाँ पर पेस्ट वगैरह सब बना लिया है, उसमें प्याज वगैरह सब डाल दिया है, आलू के पराठों मैंने प्याज डाला है, उसे डाल के मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर पेस्ट को मैं बिल्कुल हाथ से बिल्कुल बारीक कर रही हूँ, और सब चीज़ मैंने इसमें मसाले वगैरह मिक्स कर दिए हैं, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर पराठे बेलने आ गई हूँ, क्योंकि आलू के पराठे बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने फटाफट से किया, रोल बनाए और उसके अंदर भर के, आलू का पराठे के अंदर भर के फटाफट बेलने लग गई और बनाकर गर्मा गर्म देने लग गई। और तो और पड़ोसी भी आ गए थे पराठा खाने, तो सब बच्चों ने मिलकर ही पराठे खाए और सबको बहुत अच्छा लगा। परी भी सबके साथ बहुत अच्छे मिलके पराठे खाती है, तो सबके साथ परी ने भी बहुत अच्छा खा लिया, और अपने भाई बहनों के साथ और पड़ोसियों के साथ तो बहुत अच्छे से ही खा रही थी। तो गाइस देखो, यहाँ पर पराठा बनके तैयार हो चुका है और सब लोग लग गए हैं खाने, टूट पड़े हैं। अरे आप भी खा लो पराठा। खा रहा है ये, चलो बैठ जाओ आप। हाँ खा लो, गरम है लेकिन। बहू कार्टून देखने में मस्त है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं परी को स्कूल छोड़ने, क्योंकि खुशी और गौरव का स्कूल का काम भी आ रखा है, तो परी उन्हें करने नहीं देगी, है ना। अभी ये दोनों अपने स्कूल का काम दिखाएंगे हमें क्या क्या करना है। युकू चलो, आपको भी घर छोड़ देते हैं, परी को भी स्कूल छोड़ देते हैं। परी नहीं, उतर जा। मेरे भतीजी, मेरी भतीजी और मेरा भतीजा आए हैं गर्मी की छुट्टी मनाने, बट
उनका होमवर्क का लोड इतना है कि छुट्टी में मस्ती करने की बजाय, मस्ती तो पूरे दिन करते रहते हैं, उनको करनी पड़ रही है पढ़ाई। टुई टुई क्योंकि पढ़ाई जिंदगी में बहुत जरूरी है, इसलिए कर रहे हैं ये दोनों पढ़ाई। पढ़ाई के बाद इन तीनों की हो चुकी है पार्टी, क्योंकि परी भी स्कूल से आई, उसकी भी पार्टी, इन दोनों ने भी पढ़ाई करी तो इन दोनों की भी पार्टी। और मेरी पार्टी नहीं हुई है, मेरी पार्टी में आया है दही, बेसन, आलू और बाकी सब्जी मैंने अंदर रख दी है। और मेरी पार्टी है खाना बनाने की। ये मेरी कितनी गंदी पार्टी है। तो गाइज यहाँ पर ये सब खा रहे हैं चीज, और जब तक परी के पास भी चीज है मैं भी खाना बना लेती हूँ, कढ़ी चावल, और क्योंकि परी फिर बनाने नहीं देगी, है ना। चलो ठीक है, अच्छे से रहो, मैं खाना बनाती हूँ। परी को स्कूल से लाते वक्त हमने ये वेजिटेबल ले लिए थे कुछ, और यहाँ पर कढ़ी बनाने का कुछ सामान ले लिया है। अब मैं कढ़ी, तो यहाँ पे दिन का लंच भी तैयार हो चुका है। दिन में बनाई है दाल और चावल भिगा दिए हैं, पकौड़ी बनाई है और बनाई है कढ़ी। तो यहाँ पे हम लंच कर लेते हैं। लंच में ये रहा पेस्ट और कढ़ी भी मेरी बनके तैयार है। कढ़ी का कलर बहुत ज़्यादा सुंदर आया हुआ है, एकदम पीली पीली की कढ़ी अच्छी लगती है। तो सबने बहुत अच्छे से खाई कढ़ी। और उसके बाद लंच करने के बाद मैंने बर्तन वर्तन नहीं धोए और मैं खुशी के बाल ना सेट करने लग गई, क्योंकि बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं, चोटी वगैरह बनाते हैं तो इतने अच्छे नहीं लगते, तो मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे। मान नहीं रही थी। अभी कहाँ जा रहे हैं? और अभी हमने क्या खाया घर में? गुलाब जामुन, बूंदी और लड्डू। अब हम आ गए हैं पार्क में खेलने। सार्थक मिल गया उसको, सार्थक मिल गया यहाँ भी। तो गाइस अभी मेरी मदर इन लॉ लेके जा रखी है छोटे छोटे बच्चे को पार्क में, और मैं अभी पार्क में थी, अब वो चली गई हैं, 7 बज गए हैं, और मुझे बनाना है पनीर, और अब मैं जाती हूँ किचन में पनीर बना लेती हूँ अच्छे से। ये परी ने बूंदी अभी खाई नहीं है, और गौरव ने भी पूरा लड्डू नहीं खाया। ये रहा लड्डू और ये है पनीर जो अभी मुझे बनाना है, तो मैं बना लेती हूँ क्योंकि बच्चों के साथ जल्दी जल्दी ही काम करना होता है। अभी परी भी आ जाएगी।